नमस्कार साथियों, ये हमारा 1,42,000 BTU का हमारा LG पैकेज ऐसी है। और जिसमें प्रॉब्लम क्या है, एक कंप्रेसर हमारा डैमेज है। और कौन सा सर्किट का डैमेज है, सर्किट बी का डैमेज है। ठीक है, देख सकते हैं, जब कंप्रेसर के पीछे तरफ से देखेंगे, ये सर्किट वन है जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, जो कंपनी का ही लगा हुआ है। तो इस कंप्रेसर का प्रॉब्लम क्या था, देखिए हमें कंप्लेन मिला कि पूरा सर्किट का जो बिल्डिंग का पावर है वो शट डाउन हो गया। तो हमने आके जैसे चेक किया, यहाँ पे हमको पता चला कि ये कंप्रेसर डैमेज है। ठीक है, और देख सकते हैं कंप्रेसर किस तरीके से डैमेज है, मतलब बहुत बुरा तरीके से डैमेज है। ठीक है, देख सकते हैं, यानी इसका पूरा टर्मिनल उड़ गया। अब देखिए मैं इसमें करने क्या जा रहा हूँ और क्या करूँगा स्टेप बाई स्टेप, क्योंकि मैं जब भी पैकेज इस पर जब कंप्रेसर लगाता हूँ तो मुझे एक चीज़ बड़ा डाउट रहता है, जिसको मैं इस बार इस मशीन में थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए सप्लाई पहले पूरा बंद है हमारा। ये है टर्मिनल, जिसका एक टर्मिनल नीचे से उखड़ गया, देख सकते हैं ये पूरा उखड़ गया और गैस यहाँ से आउट हो चुका है। ये टर्मिनल है, ये भी उखड़ गया है, यानी L2 और L3 दोनों उखड़ गया है और बाहर आ गया, और दोनों यहाँ से पूरा गैस बाहर निकल गया। ये रीज़न क्यों हुआ, इसको हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए टर्मिनल ब्लास्ट तभी होता है जब यहाँ पे ओवरहीटिंग की मतलब ओवरहीटिंग ज़्यादा होती है, टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा नाजुक स्थिति में होता है, जहाँ से ये ब्लास्ट होकर पूरा बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए इसमें हमको दो चीज़ हमको डाउट है। पहला डाउट देखिए, इसी सर्किट का ये सक्शन आ रहा है, देखिए इसी सर्किट का ये सक्शन आ रहा है, और ये सक्शन देखिए, सक्शन का जो लो प्रेशर स्विच है यहाँ से थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पर थोड़ा सा तेल आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि तेल यहाँ से लीकेज है, माइनर लीकेज है। तो मैं क्या करूँगा, स्विच को खोल के SS वाल्व को नया लगाऊंगा और इसको क्लीन करके अच्छे से और नया अच्छे से ब्रीजिंग करूँगा, पहला काम। दूसरा काम देखिए, ये ब्लोअर वाला साइड है, देख सकते हैं, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक भाग की तरफ आते हैं तो ब्लोअर आता है, जिसको मैं यहाँ से ब्लोअर मोटर और ब्लोअर दोनों में खोल रखा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ब्लोअर को भी और ब्लोअर मोटर को मैं खोल रखा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए सर्किट बी का कंप्रेसर खराब है हमारा। तो सर्किट बी कौन सा होता है, जो क्वाइल के पास जो होता है सक्शन डिस्चार्ज, वो सर्किट ए होता है। तो क्वाइल के पास हमारा ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये सर्किट ए हो जाता है। क्वाइल के जो दूसरा पास के क्वाइल के जो पास जो सर्किट होता है वो तो सर्किट वन हो गया, और जो दूसरा जो सर्किट होता है वो सर्किट बी होता है। यानी हमको इस सक्शन और इस डिस्चार्ज पे, इस इन दोनों लाइन पे हमको काम करना है। और इस लाइन पे हमको क्या काम करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब कंप्रेसर ब्लास्ट होता है, तो कंप्रेसर ब्लास्ट होता है तो मशीन में तेल चढ़ जाता है और अधिकतर जो डस्ट कार्बन है वो मशीन में फैल जाती है। जब कार्बन मशीन में फैलता है तो सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, देखिए नया कंप्रेसर लगाने के बाद, वैक्यूम करने के बाद, गैस चार्ज करने के बाद, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, यहाँ से जो गैस जो आता है ना डिस्चार्ज से कंडेंसर से, यहाँ से 100% पास नहीं होता है। वो इसलिए कि यहाँ पे आपको पता है कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस कैपिलरी में यहाँ पे जो ग्रिप है वहाँ पे एक मेटल फिल्टर होता है, जो गैस को छान के प्योर वेपर में इसको अंदर इवेपोरेटर में सप्लाई देता है। तो जब कार्बन आ जाता है, थोड़ा थोड़ा जो कचरा आ जाता है, तो ये फिल्टर ब्लॉकिंग में जाता है, जिसके वजह से 100% गैस हमारा फ्लो नहीं होता है इवेपोरेटर में। और अंत में होता क्या है कि हमारा जो हाई प्रेशर बढ़ जाता है, और लो प्रेशर कितना होता है, 45 पे ही हमारा 300 हाई प्रेशर शो करता है। मैं कई बार इस मशीन में झेल चुका हूँ, तो मैं वैसा इस पर गलती नहीं करना चाहता हूँ कि हमको फिर से बाद में इसको दोबारा काम करना पड़े। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से काट दूंगा, हालांकि ये 5 का साइज है, यहाँ से काट दूंगा, यहाँ से जितने कैपिलरी है, 9 कैपिलरी है मेरे ख्याल से, 9 कैपिलरी को काट के यहाँ से अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगा। 9 कैपिलरी को काट के क्लीन करके नाइट्रोजन में नीचे रखा हुआ सिलेंडर, नाइट्रोजन का प्रेशर डालेंगे और वन बाई वन हाथ से चेक करेंगे फ्लो, सब में गैस का फ्लो है तो मैं समझ जाऊँगा क्लियर है। लेकिन जो ये जो समस्या है हमारा, ये हट जाते हैं, यानी फिल्टर ब्लॉकिंग के बाद हाई प्रेशर में जाना, लो प्रेशर यानी 45 पे 40 पे हाई प्रेशर में जाना, ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए ये समस्या जब खत्म होता है तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, वो चीज़ देखिए, हमने एक छोटा सा मैकेनिकल डिवाइस तैयार किया है। ये हमारा रिड्यूसर, ये दूसरा रिड्यूसर है, इसकी साइज है 5x8x7x8, इसका है 7x8 का पाइप है। ये रिड्यूसर है 7x8x3x4, 7x8 का ऊपर है और 3x4 नीचे है, ये है 3x4 का पाइप,
और मैं इसको अच्छे से पंच कर रखा हूँ और इसमें 9 कैपेरी टोटल आ जाता है। मैं अभी चेक किया इसको अच्छे से, तो ये 7 का जो सॉरी 3-4 का जो पाइप है, 3-4 के पाइप में 9 कैपेरी बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लगाऊंगा, देखिए इस 5 हेड है ना, जब यहाँ से मैं इसको काटूंगा तो ये इसके अंदर आसानी से चल जाएगा और नीचे मैं क्या करूंगा, सारा कैपेलेट को इन करके यहाँ से ब्रिजिंग कर दूंगा और फिर यहाँ ब्रिजिंग करूंगा, यहाँ ब्रिजिंग करूंगा, फिर यहाँ ब्रिजिंग करूंगा, फिर यहाँ ब्रिजिंग करूंगा। तो ये चीज़ पहले मैं बाहर तैयार कर लेता हूँ ताकि हमको ऐसा इसमें ज़्यादा लफड़ा ना हो। ये चीज़ बाहर तैयार करके हम इसमें 2 चीज़ ब्रिजिंग करेंगे, एक यहाँ पर इनलेट और आउटलेट में हमारा जो कैपलरी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसको इसमें मॉडिफाई करके लगाने जा रहे हैं जो हमारे लिए एक बहुत ही कारगर साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि इसको लगाने के बाद जो गैस का फ्लो है वो बहुत बेहतरीन चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं चल रहा हूँ क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्रेसर निकालेंगे और कंप्रेसर निकाल के वहाँ पे फ्लशिंग के लिए वाल लगाएंगे। देखिए कंप्रेसर का ब्लास्ट होने का हमने तो रीजन ढूंढ लिया, गैस लीक कर जाना, लीक करने के बाद हमारा ब्लास्ट हो गया। तो इस मशीन में सबसे बड़ा सेफ्टी क्या है, अगर गैस नहीं हो तो मशीन हमारा होल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है। वो सेफ्टी काम क्यों नहीं किया उस पर हम देखिए चर्चा करेंगे। देखिए ये तो पावर इसका जो ऐसा डैमेज हुआ जैसा लगता है पूरा आग में से निकाले हैं। देखिए इसमें सबसे थोड़ी से बाय मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये जो इसका लो प्रेशर स्विच है, लो प्रेशर स्विच कितने का है, इसका जो लो प्रेशर स्विच है ना वो है करीबन इसका जो लो प्रेशर स्विच है आप देख सकते हैं, इसका जो लो प्रेशर स्विच है उसका रेटिंग कितना है, 2050 का। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर से आप देख सकते हैं 2050 का। ठीक है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है 2050 इसका रेटिंग है, यानी 20 से नीचे आएगा तो खुल जाएगा, 20 से ऊपर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसमें पैकेज एसी में गर्मी के मौसम में अगर 20 प्रेशर आता है या 30 तक प्रेशर आएगा और गर्मी के मौसम में कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है, तो ये बात सही है कि 30 प्रेशर पे अगर मशीन आधा घंटा भी चलेगा तो कंप्रेसर को जैसे आग जैसे गर्म कर देगा। ठीक है, आग जैसे गर्म कर देगा। अगर वही यहाँ पे 2050 के जगह पे अगर 3050 लगा होता तो क्या होता, मशीन रिस्टार्टिंग के टाइम ही ये शो कर देता है कि भाई इस लाइन में हमारा गैस कम है, मशीन को बंद करो। ठीक है, तो फिर हमारा इसमें इरर कोड क्या आता, CH17, क्योंकि ये सर्किट बी है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं आया, उसका मुख्य रीज़न भी ये है, गैस तो कम हुआ, चले गैस तो लीक हो गया, उसका मैकेनिकल मतलब उसका मैकेनिकल पाइपलाइन का जो इशू है तो ऐसे लीक कर गया। ठीक है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, मशीन सेफ्टी में नहीं गया, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, लो प्रेशर सही रेटिंग में नहीं लगा हुआ, यानी 20 से 50 लगा, अगर यही 30-50 लगा हुआ था, 25-50 लगा हुआ था तो क्या होता है, रिस्टार्टिंग टाइम में इरर कोड हमारा आ चुका होता है जिससे हमारा डिस्प्ले बंद हो जाता, डिस्प्ले में इरर कोड ब्लिंकिंग होने लगता है, उसके बाद हमारा पूरा मशीन हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर टेक्नीशियन आता है तो उसको अच्छे से चेक करके फिर ओपन करता है, तो वो चीज़ हमको समय नहीं मिला, जिसका मुख्य रीज़न है लो प्रेशर। ठीक है, अब मैं इसको लो प्रेशर में कौन सा चेंज करने जा रहा हूँ, देखिए हालांकि वो 2050 है, मैं 2550 को जा रहा हूँ लगाने के लिए। ठीक है, 2550, ठीक है 2550 का जो हमारे पास लो प्रेशर स्विच है मैं इसको लगाऊंगा। ठीक है, हालांकि 3050 लगाना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर गैस थोड़ा सा भी अगर माइनर कहीं से भी लीकेज होता है तो वो बाद में शो करता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ कंप्रेसर निकालने के बाद यहाँ पर सक्शन और डिस्चार्ज लाइन में फ्लशिंग वाला वाल लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फटाफट काम करते हैं मैकेनिकल स्टेप बाय स्टेप।
अभी फिल्टर को मैंने काट दिया है। फिल्टर काटने के बाद हमारा ये जब से यहाँ से मैं पूरा फिल्टर निकाल दिया हूँ, कैपेसिटर बच गया, इनलेट बच गया, ठीक है। और ये हमारा 5.8 का साइज है, ठीक है। और ये पूरा अंदर से भरा हुआ था, ठीक है। और यहाँ से 9 कैपेसिटर आउट हो रहा है। अब देखिए कभी कभी होता है ये कैपेसिटर ब्लॉक नहीं है, तब भी हमारा यहाँ जो ग्रिप किया हुआ है यहाँ पे कचरा कर जम जाता है, जिससे गैस का फ्लो 100% नहीं होता है, जिससे हाई प्रेशर बढ़ता है और लो प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने उसको काटने के बाद क्या निकला इसके अंदर से, ये देख सकते हैं, ये जितना कार्बन दिख रहा है ये सारा कार्बन इसी के अंदर से निकला, ठीक है। ये पूरा कार्बन इसके अंदर भरा हुआ था, तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है गैस के फ्लो में, ठीक है, गैस का फ्लो को स्टॉप करने में और स्लो करने में और हाई प्रेशर को बढ़ाने में। अभी मैं क्या करूँ, कैपेसिटर को अच्छे से काट के इसको और यह जो डिवाइस है मैं अच्छे से उसको लगा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। 5.8 का साइज इसमें चला जाएगा आसानी से, देख सकते हैं 5.8 का साइज चला जाएगा, नीचे सारा कैपेसिटर चला जाएगा इसको फटाक से ब्रीजिंग करके। और नीचे हमारा एक थोड़ा सा माइनर लीकेज का डाउट है, क्योंकि वहाँ पर तेल आया हुआ है, ये जो हेडर है हमारा जो सक्शन का इसमें से, ठीक है, वो जो 3.8 का ये जो साइज लाइन आ रहा है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करके प्रेशर डाल के और फिर हम इसको चेक करेंगे ताकि कहाँ से लीकेज है, ठीक है। अभी देखिए इसको ग्रिप से हल्का हल्का गोल घुमा के कैपिलरी को ऐसे काट लेंगे और फिर प्लस हम इसको लेफ्ट राइट करेंगे ताकि अच्छे से होल दिखेगा इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं सबको काट लेता हूँ, फिर इसको एक बार दिखाता हूँ कि इसका कैपिलरी ओपन है क्या। अभी देखिए हमारा जो ये कंप्रेसर निकालने के बाद सक्शन डिस्चार्ज लाइन में हमने वाल लगा दिया फ्लशिंग के लिए, और सक्शन लाइन में हमारा एक वाल लगा हुआ, ठीक है। और मैं कैपिलरी जो हमने काटा है उसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ये वाल को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ये वाल कहाँ जाता है, सक्शन इवोपरेटर के आउटलेट में जाता है, ठीक है, यानी ये पूरा लाइन जब हम इधर से नाइट्रोजन डालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, इवोपरेटर के कैपिलरी से निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से नाइट्रोजन को डालूंगा और वन बाई वन करके जो हमारा कैपिलरी सेट है जो 9 पीस है हमने इसको अच्छे से काट रखे है, ठीक है। और काटने के बाद इसको ये जो हमारा पास फिल्टर कैपिलरी क्लीन करने के लिए जो वायर है इसको क्लीन करके हमने अच्छा से इसको पूरा क्लीन कर दिया, ठीक है, 9 कैपिलरी, ठीक है। अब मैं इसको वन बाई वन करके चेक करूंगा कि जितना 9 कैपिलरी सारे कैपिलरी से गैस निकल रहा है क्या, एयर निकल रहा है क्या, अगर निकल रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, अच्छे से फटाक से इसको फिल्टर लगा कर फिल्टर लगा के इसमें कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्ट करने के बाद अच्छे से इसको फ्लशिंग करना चालू करेंगे। अब देखिए जब इसको हम फिल्टर लगा देंगे तो फ्लशिंग कैसे करेंगे, इसमें R11 में डालूंगा, क्योंकि R11 में कब नहीं डालता हूं, जैसे ये जो कैपिलरी सेट है जब इसका फिल्टर का थोड़ा सा ब्लॉकिंग का इशू होता है तो मैं R11 नहीं डालता हूँ, ठीक है। अभी मैं बिना फिल्टर का लगा रहा हूँ, सीधे हमारे पास एक तरफ से इम्पटिव सिलेंडर हो जा रहा है, ठीक है, तो मैं अभी R11 डालकर अच्छे से फ्लश करूंगा, हमारे पास बड़ा नाइट्रोजन है। तो अभी हम चलते हैं इसको चेक करके अच्छे से पैक करने। अभी देखिए मैं उधर से नाइट्रोजन डाल रहा हूँ और इसको एक एक को अपने फेस पे लेके चेक करूंगा, ठीक है, ये हमारा ठीक है, ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है हमारा, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, इसका भी अच्छा से एयर आ रहा है हमारे चेहरे पे, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी हमारा ये जितना कैपिलरी है हम देख सकते हैं अच्छा से इसमें तेल भी आ रहा है और एयर भी आ रहा है, ठीक है, फ्लो है इसका, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अच्छे से फिल्टर लगा दूंगा, फिल्टर लगाने के बाद हम 5.8 का ऊपर कनेक्शन करके R11 डाल के फिर कम्प्लीटली इसको फ्लश करेंगे। फ्लश करने से पहले मैं वहाँ पे प्रेशर 300 डाल के ताकि वहाँ पर हमको लीकेज फाइंड आउट हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसको 100% फ्लश करेंगे। अभी लगभग मैं 150 के आसपास इसका प्रेशर होल्ड कर दिया, हालांकि फ्लशिंग के बाद हमको थोड़ा सा जब ब्रीजिंग के बाद जब फ्लश करते हैं तो ध्यान रहे कि इसके अंदर जो डस्ट है वो निकलना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको हाथ से चेक करेंगे, अभी इसमें नाइट्रोजन में 200 के आसपास डाल करें पूरा लीक टेस्ट कर लेता हूँ, लीक टेस्ट के बाद ही अच्छे से फ्लश करेंगे। अभी देखिए मैं डिस्चार्ज लाइन से गैस डाल रहा हूँ नाइट्रोजन, ठीक है, ये डिस्चार्ज लाइन से जब गैस डालेंगे तो कहाँ जाएगी, कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद सीधे इवोपरेटर में,
इवेपोरेटर के पास मैंने फिल्टर निकाल के लगा दिया, दूसरा मॉडिफाई करना था वो कर दिया। उसके बाद इवेपोरेटर से आउट होता है यहाँ पे जो सक्शन में आता, ठीक है, सक्शन को मैं यहाँ से वाल्व बंद कर लेता हूँ। और ये प्रेशर कितना लगभग 150 के आसपास गया है, मैं 200 के आसपास में इसको होल्ड करूंगा। 200 होल्ड करते हैं, पूरा लीक टेस्ट करूंगा, ठीक है। लीक टेस्ट के बाद फिर मैं इसको R11 डाल के और नाइट्रोजन के साथ फ्लश करूंगा, ठीक है। चलिए, अभी हमारा ये जो गैस है करीबन 200 के आसपास मैंने होल्ड कर रखा है, देख सकते हैं आप, 290 के आसपास गया, ठीक है। ये 290 क्या है, नाइट्रोजन है, और 290 का नाइट्रोजन सिस्टम के अंदर तो लीक टेस्ट करने के लिए बहुत है, ठीक है। लीक टेस्ट करने का हमारे पास पॉइंट क्या है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो इसके बाद हमारा ये दो वाल बचता है यहाँ पे, चार्जिंग वाल सक्शन का और डिस्चार्ज का, ठीक है, सॉरी सक्शन का और डिस्चार्ज का। उसके बाद हमारा यहाँ पे मैंने नया SS वाल लगाया, ये लो प्रेशर स्विच का, क्योंकि पुराना वाला अंदर ही टूट गया वो, ठीक है, तो उसको मैं पैक कर दिया। पैक करने के बाद हमने नया वाल लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है, और उसके बाद हमारा ये जो कैपिलरी सेट मैंने लगाया यहाँ पे, ये देख सकते हैं, कैपिलरी को मैंने अच्छे से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से जूम करेंगे तो देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से मैंने मॉडिफाई करके लगा दिया, ठीक है। और उम्मीद है कि मैं अच्छे से पैक कर दिया, क्योंकि अगर लीकेज का चांस होता तो यहाँ से मैं आवाज़ सुन सकता था, ठीक है, तो कोई लीकेज का चांस ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को। फिर भी मैं इसको साबुन से झाग लगा के चेक करूँगा, ठीक है, और वहाँ पर लीक जरूर चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे डाउट है कहीं पर, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर उसको हम अगर सॉल्व करके फिर हम इसको अच्छे से फ्लश करेंगे। अभी देखिए मैंने पूरा लीक टेस्ट कर लिया, ठीक है, और प्रेशर में कितना डाला हूँ, 400 PSI पे मैंने लीक टेस्ट किया, तो मुझे थोड़ा सा लीकेज यहाँ पे आया। ये जो हाई साइड है, हाई साइड का पिन वाला हमको चेंज करना पड़ेगा, ये मैं चेंज करूँगा, ये सही है सक्शन का, ये चीज़ सही है, मैंने इसको फिर से दोबारा चेक कर लेता हूँ। यहाँ से पहले थोड़ा सा मैंने लीकेज था पहले, क्योंकि यहाँ पे SS वाल यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया, उसको पैक कर दिया, SS वाल में अभी दूसरे जगह पे लगा दिया, ठीक है, ठीक। अब मैं ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया, तो यहाँ पे भी नहीं है, और अंदर में कैपिलरी वाला साइड के पास मैं सब चेक कर लिया, यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है। हालांकि नीचे जो ऑयल आया हुआ था तो मुझे वहाँ पर डाउट था, लेकिन 400 PSI प्रेशर पर आपको पता ही है कि बुझबुझा फेंकना चाहिए, बुलबुला आना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं चलता हूँ R11 डाल के मैं कैसे फ्लश करूंगा, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सक्शन डिस्चार्ज से डाल रहा हूँ, सिर्फ नाइट्रोजन डाल रहा हूँ। अभी मैं इधर से ये लाइन 400 जो हमारा प्रेशर होल्ड है, इसको मैं फ्लश करके इसमें दो लाइन R11 डालूंगा, तो सक्शन से रिलीज करूंगा, सक्शन से यहाँ से खोल कर रिलीज करूंगा, दो लाइन इसमें से डालूंगा तो डिस्चार्ज से रिलीज करूंगा, और फिर डिस्चार्ज से रिलीज करते जाऊँगा ताकि हमारा जो फ्लशिंग है पूरा बाहर निकल जाए। तो अभी हम चलते हैं इसको रिलीज करने के लिए। अभी जो है इसके अंदर हमारा 400 के आसपास हमारा प्रेशर होल्ड है, ठीक है, जब मैं इसको खोलूंगा तो खूब तेजी से प्रेशर निकलेगा। ठीक है, ये पूरा प्रेशर निकल जाने देते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा यहां से R11 थोड़ा सा डालने के लिए, R11 मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं सक्शन लाइन सॉरी डिस्चार्ज लाइन से मैं क्या कर रहा हूँ, R11 डाल रहा हूँ, ठीक है। R11 का लिक्विड लाइन में थोड़ा सा छोड़ दूंगा, अब इसको थोड़ा सा हमें बंद करके इस लाइन को क्लोज करके फिर मैं गेज में लगा के नाइट्रोजन डालूंगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसको फिर से 300 के आसपास R11 डाल के होल्ड कर दिया हूँ, और 300 पे फिर फ्लश करूंगा। ये R11 डालने के बाद तेल उड़ाया, ठीक है, तो मेरा मानना है कि R11 ये देखिए पूरा तेल है, ठीक है, तो इसमें अभी एक पूरा काला काला आ रहा है, इसका मतलब कंप्रेसर जब ब्लास्ट होता है तो ये जो काला काला है पूरा मशीन के अंदर पूरा फैल जाता है, ठीक है, जिसके वजह से R11 डाल के फ्लश करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं
एक लाइन और इधर से डालूंगा, उसके बाद दो लाइन इधर से R11 डालूंगा ताकि दोनों साइड से मतलब रिलीज हो जाए, ठीक है। तभी मैं इसको एक बार और फ्लश करूंगा इधर से 300 प्रेशर पे। चलिए हमारा 300 हो गया, अब इसको तेल तेल है, अभी भी काला काला है थोड़ा सा। अभी R11 में फिर से थोड़ा सा डालूंगा इसके अंदर ताकि और अच्छे से क्लीन हो। देखिए जब R11 डालते हैं तो थोड़ा सा ये जो पाइप है थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि इसके अंदर लिक्विड जा चुका है, ठीक है। और उसी R11 से जब मैं फ्लश करूँगा तो समझिए कि पूरा लेके अंदर से बाहर आएगा, ठीक है। अभी मैं 300 के आसपास फिर से होल्ड किया, R11 डाल के इसको फिर से, ये जो कचरा निकला है ये बहुत काम का चीज़ है। ऐसा लग रहा है कि देखिए अभी भी इसके अंदर से पूरा डस्ट आ रहा है, ठीक है। ये जो R11 है अभी जो पूरा काला काला लेके निकला, हालांकि अभी फिर मैं इसको 300 के आसपास में होल्ड करूंगा। अभी देखिए इससे पहले जो मैं फ्लश किया उसमें पूरा ज़्यादा काला निकला और साथ में R11 लेके निकला, ठीक है। और मैं इसको फिर से इस बार 350 पे मैं होल्ड करूँगा, 350 पे, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें से। ये लगभग हमारा 350 के आसपास हो गया, फिर इसको ये R11 का वेपर निकल रहा है। चलिए अब ये R11 के वेपर निकलना शुरू हो गया, फिर मैं इसी को बस नीट एंड क्लीन करूँगा। अब इसमें R11 नहीं डालूंगा, ठीक है। अभी मैं डिस्चार्ज लाइन की तरफ से मैं इन कर रहा हूँ गैस, तो इसमें क्या होगा कि अभी जितना फ्लशिंग हो रहा है डिस्चार्ज लाइन की तरफ से इन करके सक्शन से फ्लश हो रहा है। अभी थोड़ा सा और फ्लश करने के बाद मैं सक्शन से डालूंगा फिर डिस्चार्ज से निकालूंगा, क्योंकि जो हमने फिल्टर मॉडिफाई किया है वहाँ पर जब जो छोटा छोटा कैपिलरी जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है डस्ट का या कॉपर का वहाँ फंस जाता है, तो वो रिवर्स होकर डिस्चार्ज लाइन से हमारा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर मैं उसको थोड़ा सा नहीं, दोनों साइड से हमको फ्लश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर फिल्टर नहीं है तो, हालांकि पूरा काला काला होगा ये। चलिए फिर से हमारा 350 के आसपास सब ये नहीं, हम हर बार 350 के आसपास होल्ड करके ही मारे हैं, ठीक है। ताकि इसमें अब हमको डर नहीं है, क्योंकि फ्लशिंग में जितना हम 300 400 प्रेशर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो कैपिलरी फिल्टर वाला जो सेट है उसको निकाल दिया, तो सिर्फ हमारा एक सिलेंडर हो गया और कैपिलरी हो गया, अन्य हम जितना प्रेशर डालेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा, ठीक है। तो अब फ्लशिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब फिल्टर लगा होता है जो कंपनी से मॉडिफाई होता है, कंपनी का जो लगा होता है उसमें क्या होता है फिल्टर फट जाने का जो चांसेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा हम अगर प्रेशर डाल के मारेंगे तो, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक और तेल का जो डस्ट होता है वो पूरा चिपका होता है और वो एयर को रिलीज नहीं होने देता है, जिसके वजह से फिल्टर फटने का चांस ज़्यादा होता है हमारा, ठीक है। अभी एक बार मैं और 300 के आसपास डालूंगा फिर मैं सक्शन लाइन से डाल के डिस्चार्ज से रिलीज करूँगा। चलिए 300 एक बार मैं लास्ट फ्लश कर रहा हूँ। चलिए इस बार हमारा कुछ भी नहीं निकला, इस बार हमारा कुछ भी नहीं निकला। अब मैं अभी देखिए ये जो सक्शन है सक्शन से मैं डाल रहा हूँ ये लाल वाला, ठीक है। सक्शन से जाएगा तो उधर से डिस्चार्ज से हमारा रिटर्न होगा। हालांकि मैं यहाँ पे होल्ड कर रखा हूँ तो ये 250 के आसपास हो चुका है, ठीक है। ये यानी बैक इसको मैंने रिवर्स में इसलिए फ्लश कर रहा हूँ कि जो हमारा कैपिलरी से कचरा बाहर नहीं निकल सकता इवेपोरेटर में होते हुए, वो फिर वहीं से रिवर्स होकर अभी देखिए सक्शन से पहले फ्लश डिस्चार्ज से नाइट्रोजन डाल के सक्शन से फ्लश किया था, सक्शन से नाइट्रोजन डाल के डिस्चार्ज से फ्लश किया। अब मैं डिस्चार्ज लाइन से थोड़ा सा R22 का 2-3 लाइन लिक्विड डाल के, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा फिर से सक्शन से फ्लश करूँगा, देखता हूँ कि अब इसके अंदर सब कुछ निकलता है क्या। तो इसको मैं 300 तक होल्ड करता हूँ। अभी देखिए मैं R22 नंबर डाल के
350 प्रेशर होल्ड किया, अब देखता हूँ कैसा है। रे बाबा पूरा काला काला निकला रे, ये पूरा काला काला लेके निकला और बहुत कचरा लेके निकला। ठीक है, अभी ये हमारा लास्ट फ्लशिंग है जिसको मैं अब इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ मशीन को अच्छे से डिस्कनेक्ट करके वाल निकाल के सक्शन डिस्चार्ज का, और फिर फटाक से हम कंप्रेसर लगाएंगे, उसके बाद हम लीक टेस्ट करके वैक्यूम डालेंगे। तो आगे का प्रोसेस मैं शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी शाम हो गया। ठीक है, तो इसको हमको फटाफट अभी करना है। तो कंप्रेसर लगा कर सब कुछ करके फिर मैं इसको फाइनली कहाँ तक सेटअप करूँगा कि कंप्रेसर लग जाने के बाद, सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद बैक प्रेशर कितना है, हाई प्रेशर कितना है, और बैक प्रेशर हाई प्रेशर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद एम्पियर इसका कितना है, वो बस वो चीज़ मैं शूट करूँगा आखिर में। तो अभी चलते हैं टोटल फिनिश करने के लिए। अभी देखिए फाइनल पोजीशन में हूँ और सब कुछ कंप्रेसर लगाने और फ्लशिंग करने के बाद जो हमारा कूलिंग कॉइल का जो हमारा कैवलरी सेट है उसको मॉडिफाई करने के बाद मैं इसको क्या किया हूँ, पैक कर दिया हूँ। पैक करने के बाद मैं अभी मशीन को चालू कर दिया हूँ। ठीक है, जिस सर्किट पर मैं काम कर रहा हूँ सर्किट पर मैंने किलोमीटर लगा दिया है। ठीक है, सर्किट बी पे मैं काम कर रहा हूँ, सर्किट बी पे अभी हमारा सिर्फ ब्लोअर चल रहा है, थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ मैं दो चीज़ चेक करूँगा, स्टार्टिंग टाइम में हाई प्रेशर कितना जाता है, और पाँच मिनट के बाद हाई प्रेशर और लो प्रेशर कितना कितने पर होल्ड होता है। ठीक है, यानी प्रेशर को प्रेशर का चेक करने के बाद हमको साइकिलिंग पता चल जाएगा कि हाँ साइकिलिंग इसका कैसा है, यानी मॉडिफाई करने के बाद। ठीक है, और सब कुछ ठीक रहा प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर तो उस पर एम्पियर कितना लेता है, बस ये चेक करूँगा। अभी देखिए हमारा मशीन चलने वाला, ब्लोअर चल गया, सॉरी कंडेंसर फैन चल गया, अभी सर्किट ये चालू हुआ, अब सर्किट भी चालू होगा। सर्किट भी चालू हुआ, देखिए हमारा 250-300 के आसपास जाने वाला है, 300 तक, 350 सॉरी साढ़े बोल रहा हूँ 330 तक भी नहीं गया अभी। ठीक है, ये कहाँ तक ड्रॉप होता है स्टार्टिंग टाइम में, 40 तक आया, 35 तक आ गया, 35 तो 30 तक आ गया, 30 तक नहीं आया, आ गया 30 तक आ गया, 30 तक नीचे नहीं जा रहा है, अब 30 से धीरे धीरे उठेगा। तो ये गुड न्यूज है कि 30 से नीचे नहीं गया, तो कि हमारा जो बैक एलपी स्विच लगा है 25 से 50 लगा है, तो 25 तक आएगा तब फिर रिकॉर्ड शो करेगा, तो 30 से नीचे गया तो इसके हिसाब से सही है। अभी वो प्रेशर उठ रहा है तो 40 के आस ऊपर चला गया, और ये जो है 30 तक भी नहीं गया, 320 तक भी नहीं गया। तो एक चीज़ ये है कि हाई प्रेशर भी ठीक है इसका, बैक प्रेशर भी ठीक है। बैक प्रेशर में क्या है कि बैक प्रेशर स्टार्टिंग टाइम में ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 से लेकर 40 तक भी हमारा होल्ड रहते हैं, उसके बाद हमारा ऊपर चलते हैं, और ये हमारा स्टार्टिंग टाइम में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी मान के चलो स्टार्टिंग टाइम में 350-400 तक पहुंचता है, तो ये हाई प्रेशर का इश्यू शो करता है, तो ये 330 तक भी ठीक से नहीं गया। अभी देखिए हमारा 45 तक पहुंच गया, ठीक है 45 से लगभग 50 तक पहुंचेगा। मैं थोड़ा सा और गैस इसमें इंक्लूड करूंगा, ठीक है थोड़ा सा तो मैं चल रहे थे, देखिए 50 पहुंच गया, और देखिए 50 पहुंच गया, 50 बैक प्रेशर पर लगभग 290 हाई प्रेशर है। आप इसको ध्यान से देखिए, 50 बैक प्रेशर पे 290 हाई प्रेशर है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत गुड न्यूज है कि गैस का जो साइकिलिंग है हमारा बैक प्रेशर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ से पाइप को छू के भी पता कर सकता हूँ, बहुत बेहतरीन क्लीन कर रहा है। ठीक है, मेन चीज हमारा प्रेशर का इशू होता है जिसको हमने सॉल्व कर दिया। प्रेशर के बाद इसको हम एमपीएस चेक करते हैं, देखिए 22 के आसपास 21.5757 आसपास ले रहा है, यानी ये 22-23 के आसपास एमपीएस जाएगा। अगर अभी हम उसका बैक प्रेशर 55 कर देते हैं, 55 कर देंगे तो ये 22-23 के आसपास जाएगा, जो बिल्कुल करेक्ट एमपीएस है, कोई ज़्यादा कम नहीं है, कोई ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें देखिए 50 पे 290, मैं इसको थोड़ा सा गैस बढ़ा देता हूँ ताकि 300 हाई प्रेशर चला जाए। ठीक है, तो मशीन हमारा ठीक चल रहा है, गैस बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम गैस बढ़ा के मशीन को बंद कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम गैस खोल देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा जो मिशन था आज का सक्सेसफुल हुआ।